आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि IRCTC का अकाउंट अगर आप अपने मोबाइल से बनाते हैं, जो IRCTC का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो उसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, मैं हूँ परवेज खान और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IRCTC का अकाउंट आप मेन साइट पे बना सकते हैं, और यहाँ तक कि आप जो एप्लीकेशन से आप IRCTC का टिकट बुक करते थे, रेलवे का टिकट बुक करते थे, तो आपको वहाँ एक महीने में 6 से ज़्यादा आप टिकट बुक नहीं कर सकते, लेकिन इस साइट पे क्या है, आप 6 से ज़्यादा टिकट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रोसेस कि कैसे इस पर अपना अकाउंट बनाया जाता है, जो कि बाकी अकाउंट से बेहद ही सेफ है और सिक्योर है। इसके लिए आपके पास एक फ्रेश ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक फ्रेश मोबाइल नंबर, जो कि आपने पहले कभी भी IRCTC के वेबसाइट पे इस्तेमाल ना किया हो। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे IRCTC की मेन साइट पे लॉग इन करके अपना अकाउंट बनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल पेज है IRCTC का। इसके लिए अगर आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेन सर्च करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एक ट्रेन और हम यहाँ पर फाइंड ट्रेन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले हम चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसके लिए हमें बुक नाउ पे या CNF प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करना होगा। एग्री करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद नया पेज फिर से ओपन होगा। जो पेज ओपन होगा वहाँ से हम यहाँ पे अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन कर लें, अदरवाइज न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके यहां से आप अपनी आईडी बना सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा, यहां पे एक यूज़र नेम डालेंगे, एक पासवर्ड सेट करेंगे और एक कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब अदरवाइज़ अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे उसका नाम देकर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज करेंगे, नाम में आप अपना नाम देंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल स्टेटस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, कंट्री, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, फ्लैट, डोर, और उसके बाद आप अपना पूरा जितना भी एड्रेस है वो सारी चीज़ें फिल करेंगे, पोस्ट ऑफिस, सिटी, फ़ोन नंबर। उसके बाद अगर आपके पास कॉपी रेसिडेंशियल ऑफिस है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे, कंसेंट देंगे, कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका मोबाइल नंबर सब कुछ रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम फिर से अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है हम सब कुछ आपको दिखा देते हैं पहले से। इसके बाद हम वहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। जाकर से हम यहाँ से हमें अब ट्रेन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहां से डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। नया पेज जैसे ही ओपन होता है इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए हम माई प्रोफाइल में जाएंगे, लिंक आधार पर क्लिक करेंगे और अपनी सबसे पहले हम आधार KYC करेंगे, जिसके लिए हम अपना नाम और आधार का नंबर एंटर करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करते ही OTP आपके सामने जाएगी। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप OTP इंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आपका वेरीफाई हो चुका है और आपका IRCTC मेन अकाउंट बन चुका है। टिकट बुक करने के लिए फिर से होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आपके सामने फिर से ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप यहां से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि आपको साइड में ऑप्शन दिया, या डायरेक्ट आप फिर से अपना ट्रेन सर्च कर सकते हैं। ट्रेन सर्च करने के लिए आपको यहां पे दोनों ट्रेन का नाम देना होगा, उसके बाद फाइंड ट्रेन स्टेटस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही आपके सामने जो नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इजी जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए दोस्तों आपको IRCTC के वैलेट में पैसा डालना होगा, आपके किसी भी डायरेक्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपके भीम UPI से पैसा नहीं कटेगा। इसके लिए आपको वैलेट में पैसा पहले डालना पड़ेगा। वैलेट के लिए मैं लास्ट में वीडियो आपको बना दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।